हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही सेहतमंद रेसिपी जो पीने में टेस्टी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो अक्सर बच्चे जो है वो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, और खासकर बच्चे गर्मियों में ठंडा दूध तो पी लेते हैं लेकिन सर्दियों में गर्म दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आज उन्हीं सभी बच्चों के लिए जो हम ये दूध की रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है पीने में और बहुत ही हेल्दी भी है, जिससे हड्डियां मजबूत होगी, आंखों की रोशनी तेज होगी, थकान दूर होगी, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा ये, और जो मेमोरी पावर है वो भी बहुत ही तेज हो जाएगी। तो ये एक दूध के कई फायदे हैं। इसे छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक सभी ले सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमने 6 से 7 छुआरे लिए हैं और ये 7 बादाम लिए हैं। आप चाहे तो बादाम की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। ये जो छुआरे है ना, इसके जो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हमने निकाल दिया था इस तरीके से। तो ये छुआरे और बादाम को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद इसको रात भर भिगो के रखा था। तो इसे हमें धोकर ही यूज करना है। इसका रीजन ये है कि जो इसका पानी है ना वो भी हम यूज करेंगे, उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं रात भर में ये कितने ज्यादा फूल गए हैं। आप चाहे तो दिन में भी इसको भिगो सकते हैं। तो ये पानी को हम एक साइड रख देंगे, इसका भी हमें आगे यूज करना है। तो अब ये जो छुआरे है इसको हमें कट करना है। पहले जो अंदर जो बीज है इसको हम निकाल देंगे, फिर इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। तो ये छुआरे को ड्राई डेट्स भी बोला जाता है। आप चाहे तो ड्राई डेट्स की जगह पे जो सॉफ्ट डेट्स आती है ना वो भी आप ले सकते हो। तो ये बादाम को हमने छील लिया है। बादाम को अगर एक बार भिगो दो ना तो उसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो अभी एक मिक्सर जार लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे। अब जो ये बादाम और छुआरे को भिगोया हुआ जो हमारा पानी है ना वो हम इसमें डालेंगे। तो पानी हमने सारा नहीं डाला है, आधा ही डाला है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये पेस्ट है ना, आप ज्यादा मात्रा में बना के रख सकते हैं। तो अभी ठंड का टाइम शुरू हो गया है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। और अगर आप इसको गर्मियों में बना रहे हैं तो गर्मी में आप इसको जो हमने इसका भिगोए हुआ पानी यूज किया है ना वो आप ना करें गर्मियों के लिए, और इसको आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं अगर गर्मी का समय है तो। और इसको ग्राइंड करने के लिए आप दूध का यूज कर सकते हैं। अब हम गैस पर बर्तन में 2 ग्लास दूध लेंगे। तो ये हमने जो दूध लिया है ना वो फैट फ्री लिया है। दूध हमेशा जब भी आपको पीने के लिए लेना हो ना तो उसका जो सारा फैट है उसको निकाल के ही लीजिए। अगर फुल क्रीम दूध यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से गर्म करके उसकी मलाई को निकाल दीजिए, फिर आप उसका यूज कर सकते हैं। चाहे तो टोन दूध भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप बिना गर्म करे दूध यूज कर रहे हैं तो फिर 1.5 ग्लास दूध में 1/2 ग्लास पानी डाल दीजिए, जिससे कि जो दूध है वो पतला हो जाए। तो ये जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें से हम 3 चम्मच ले लेंगे। अब बाकी का पेस्ट जो है, जैसा कि हमने कहा था कि इसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन तक, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देंगे। तो बाकी का जो हमारा बचा हुआ पानी है ना वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपका ज्यादा मात्रा में पानी है तो फिर ऐसा नहीं है कि आप सारा ही यूज कर ले। अगर जैसे कि हमारा पानी था बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए हमने सारा यूज कर लिया, तो पानी अपनी जरूरत के हिसाब से आप यूज करें। तो ये पानी हम इसमें इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो छुआरे हैं उसके जो सारी मिठास है वो पानी में आ जाती है, इसीलिए हमने इसका यूज इसमें किया है। बाकी जो सारे उसके पोषक तत्व भी होते हैं वो भी पानी में आ जाते हैं, तो इसलिए भी हमने पानी का इसमें यूज किया है। बाकी ये पानी का यूज करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो करें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पे ग्राइंड करने के लिए दूध का भी यूज कर सकते हैं। ये हमने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। तो सर्दियों में जो दालचीनी है वो बहुत ही फायदेमंद रहती है, कई बीमारियों से तो बचाती है, इसके अलावा जो खांसी जुखाम के कारण जो गले में खराश हो जाती है ना उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहती है। तो अब इसमें हम 2 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। सर्दियों में हल्दी वाला जो दूध होता है वो बहुत ही फायदेमंद रहता है, लेकिन हल्दी जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालनी है। इतना सा हल्दी को हमें डालना है कि बस हल्का सा उसका कलर आए। तो जो हल्दी भी होती है वो एंटीबायोटिक होती है, कई बीमारियों से बचाती है। उसके अलावा सर्दी खांसी के कारण जो शरीर में बलगम जम जाता है उसको भी निकालने में बहुत ही फायदेमंद है। तो ये हमने ली है धागे वाली मिश्री, जिसको हमने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया है। तो
कई लोग ऐसा है जो दूध ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा दूध पसंद नहीं करते हैं तो आपको मिश्री डालने की जरूरत नहीं है। इसमें जो हमने छुआरे डाले हैं उसकी अपनी मिठास है जिससे दूध हल्का मीठा हो जाएगा। तो अगर आपको मीठा दूध पसंद नहीं है तो बस हल्के से मिठास के लिए आप उसका ही यूज कर सकते हैं, बाकी ऊपर से आपको मिश्री डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कई लोग ऐसे हैं जिनको मीठा दूध पसंद होता है, खासकर बच्चों को मीठा दूध बहुत ही पसंद होता है, तो उनके लिए आप इस तरीके से मिश्री डाल सकते हैं। चीनी का यूज ना करें, उसकी जगह पर मिश्री का यूज करें। दो चुटकी हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे जो इस दूध का जो टेस्ट है ना उसको कई गुना बढ़ा देगा। बच्चे अगर पसंद करते हैं तो इलायची पाउडर जरूर डालें, और अगर पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये दूध को हम थोड़ी देर पका लेंगे। इसमें हमने छुआरे और बादाम का जो भिगोया हुआ पानी था वो ऐड किया था, इसलिए दूध को हम जब थोड़ी देर और पकाएंगे ना तो दूध हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो ये दूध को हमने 4 मिनट पका लिया है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दूध का कलर आ गया है और एकदम अच्छे से तैयार हो गया है दूध हमारा। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा हेल्दी दूध बनकर रेडी हो गया। तो देखा आपने कितना टेस्टी ये दूध बनकर रेडी हुआ है। तो इतना टेस्टी दूध बनता है ना ये कि जो बच्चे दूध नहीं पीते वो भी आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इसको बनाने के लिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध है, इसको जरूर घर पर बनाए और रोजाना पिए। अगर रोजाना इस दूध का सेवन करते हैं ना कुछ ही दिन में आपको इसका फायदा पता चलेगा। जैसे अगर बच्चे हैं तो उनको थकान हो जाती है पढ़ाई करके, कमजोरी महसूस होती है, सभी चीजों की परेशानी ये दूर करेगा, हड्डियों की कमजोरी को दूर करेगा, आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। तो ये एक दूध के कई फायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा से पसंद आई तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी भी क्लिक करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के वीडियो देखने के लिए थैंक यू।